का सबसे बड़ा शिक्षक संघ DUPA मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है। पहला मुद्दा है इस मुल्क में, मुल्क के विश्वविद्यालयों में 13-point रोस्टर को लेकर जो उनको खदेड़ने की साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ है। दूसरा मुद्दा है कि 20 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उसमें ये कहा जाता है कि 17 लाख आदिवासी, 21 स्टेट्स के जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों को उनके जल जंगल और जमीन से बेदखल किया जाएगा। अब आप देखिए इसको लेके पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन होता है और वही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सरकार जाती है और उस पर स्टे लाती है। देखिए मंशा साफ है, इस मुल्क की हुकूमत की जो मंशा है वो साफ है, वहाँ के जल जंगल और ज़मीन से देश के आदिवासियों को विस्थापन करना। अब सवाल यह है कि आदिवासियों का विस्थापन क्यों हो रहा है? आदिवासियों का विस्थापन इसलिए हो रहा है कि जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ वहाँ इस जो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उनको जो है वो कॉरपोरेट के हाथों में बेचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, नियमगिरी के लिए आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बता दूँ कि नियमगिरी 250 किलोमीटर पर फैली हुई एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसमें सदियों से आदिवासी समाज, कोंद आदिवासी समाज वहाँ रह रहा है। नियमगिरी की 100 ग्राम सभाओं ने एक स्वर में इस पूरे के पूरे जो खनन माफिया है उनको एक सिरे से रिजेक्ट किया, लेकिन क्योंकि संसाधनों पर इस हुकूमत की तीखी नज़र है इसलिए वहाँ से उनके जल जंगल और ज़मीन से जो है उनको खदेड़े जाने की साजिश है और उसी साजिश के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि जल जंगल और जमीन उनका जो अस्तित्व है वो उनका एक ऐसा मतलब पिता की तरह है। नियमगिरी हमारे लिए वो पहाड़ हो सकता है। सर जिस तरीके से सरकार जैसे आदिवासियों को हटाने का षड्यंत्र रच रही है और पूरी तैयारी कर रही है तो बेचारे आदिवासी जाएंगे कहाँ? उनके लिए सरकार ने क्या किया? हमसे पूछिए ना, क्या वो हमारे यहाँ ये जो रायसीना हिल्स है उनके लिए यहाँ कुछ बनाने वाले हैं क्या? वो कहाँ, वो दरअसल उनको मजदूर बनाने का जो षड्यंत्र है। अब आप एक मुझे बात समझाइए कि हजारीबाग में कोई टाटा का प्लांट लगता है, नियमगिरी में अगर वेदांता अपना प्लांट लगाता है तो वो वहाँ रह रहा है आदिवासी वहाँ मजदूर बनने के लिए, वो मजदूर भी नहीं जाएंगे। और इस देश में आपको मैं डाटा बता दूँ कि जितने भी विस्थापन हुए हैं उसमें 75% लोग इस मुल्क के आदिवासी हैं। इस हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया क्योंकि बहुजन मीडिया है, कि आखिर उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम किए हैं कि जो विकास का डेवलपमेंट है उनकी छाती पर हल जोत कर आएगा? जो डेवलपमेंट की आपकी परिभाषा है उस परिभाषा में आदिवासी सिर्फ नहीं होता है। आखिर इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह है कि नहीं है? जो जल जंगल और ज़मीन उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं वो आखिर उन जल जंगल और ज़मीन से आखिर जाएँ तो कहाँ जाएंगे? इस पूरे पूरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दरअसल जो विकास का पैमाना है उस विकास के पैमाने पर आदिवासी कुछ नहीं होते हैं। इसीलिए हम आज इन दो मुद्दों को लेकर, एक तरफ विश्वविद्यालयों से 13-point रोस्टर को लेकर आदिवासियों को भगाया जा रहा है क्योंकि उनकी पोजीशन 13वीं पोजीशन बनती है, एक तरह से विश्वविद्यालय सिस्टम में उनके लिए कोई जगह नहीं है, दूसरी तरफ आप जल जंगल और ज़मीन से उनको जो है वो विस्थापित करके जो है उनको इस पूरे के पूरे सिस्टम से ही बाहर करना चाहते हैं। ताकि ये सवाल बनता है कि वो कहाँ जाएंगे साहब, उनके लिए कहाँ जगह है इस पूरे के पूरे सिस्टम में?